हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमएड एजुकेटर्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे डे 51 और डे 51 में हमें क्या करना है। डे 51 में हमें करना है पास्ट, किसका लास्ट जो हमने डे 50 में पढ़ा था, जो काम किया जा चुका है उसको पढ़ा था हमने डे 50 में। और इसमें पढ़ेंगे जो जो काम किया जा चुका था, यानी हम पास्ट पढ़ेंगे उसी का। तो उसमें हम कौन से सेंटेंस यूज किए थे, उसमें हमने यूज किए थे सेंटेंस जो हमने यूज किए थे वो थे हैज हैव का यूज करके हमने थर्ड फॉर्म लगाई थी बीन के बाद। तो इसमें जो हम पैसिव सेंटेंस है जो जो काम किया जा चुका था उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं और सबके साथ हैड लगता है, आई वी यू दे ही शी नेम के साथ और किसी भी चीज के साथ हैड का यूज होगा और वो जो काम है वो किया जा चुका था। ठीक है, किया जा चुका था मतलब तुम्हें पढ़ाया जा चुका था, तो यू हैड बीन टोल्ड, लोगों को समझाया जा चुका था तो ऑल द पीपल हैड बीन explained, यहां पर तुम्हें बुलाया जा चुका था तो यू हैड बीन कॉल्ड हियर, और रोड बनाया जा चुका था द रोड हैड बीन मेड, हाईवे बनाया जा चुका था या कंस्ट्रक्ट जो है वो किया जा चुका था, द हाईवे हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन लास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, क्या क्या किया जा चुका था, मेट्रो का जो मेट्रो जो है मेट्रो रेल जो है दिल्ली में बनाई जा चुकी थी 2003 में, रेड लाइन बनाई जा चुकी थी, तो द रेड लाइन मेट्रो हैड बीन मेड इन 2003, सबसे जो पहला रूट है। और क्या क्या जो किया जा चुका था, ताजमहल बनाया जा चुका था तो द ताजमहल हैड बीन मेड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, घर में खाना बनाया जा चुका था द फूड हैज बीन मेड इन होम, और क्या क्या किया जा सकता था, फसल काटी जा चुकी थी द क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड, और फसल को पानी दिया जा चुका था तो द फसल यानी क्रॉप द क्रॉप हैड बीन गिवन द वाटर या हैड बीन गिवन द वाटर, यानी जो पानी है वो दिया जा चुका था। और क्या क्या किया जा चुका था, यूपी में उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया जा चुका था, उत्तर प्रदेश में मेट्रो ट्रेन नोएडा में या लखनऊ में या कानपुर में बनाई जा चुकी थी, द मेट्रो ट्रेन हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन कानपुर लखनऊ एंड नोएडा, और ओके इस तरीके से मतलब कोई भी काम किया जा चुका था उसके लिए हैड बीन का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और ये आपको पता ही है कि ये पैसिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि कोई भी काम किया जा चुका है, करता कौन है उसमें हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी काम किया जाता है तो क्या किया जाता है उसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और उस हिसाब से हम सेंटेंस का पूरा बनाते हैं। ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसिव सेंटेंस बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है इनकी, जब आप कोई भी हायर मतलब कोई भी बुक आप जब पढ़ोगे ग्रेजुएशन में तो बहुत काम आएगी आपको, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आप अगर हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे इग्नू में या फिर हिस्ट्री की ड्यू में किसी भी बुक को अगर आप पढ़ोगे तो हैड बीन हैज बीन हैव बीन इन तरीके के जो सेंटेंस है उसको यूज किया जाएगा पैसिव सेंटेंस का ज्यादातर। तो अगर आपको कोई भी चीज इन वीडियोस में ना समझ आए तो नीचे कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो डे 52 है उसके साथ आने वाली है, और मे बी ये फ्यूचर का सेंटेंस होगा। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।